स्वच्छ भारत अभियान के तहत महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में संत निका सिंह पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन के प्रांगण में स्वच्छता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र विद्यालय पहुंचे और बच्चों को स्वच्छता के विषय में संबोधित किया। साथ ही प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में भी बताया और प्लास्टिक को ना उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर कई अध्यापकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वच्छता विषय पर बच्चों की ओर से एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और उसके बाद बच्चों के माध्यम से रैली निकालकर जन जन को जागरूक किया गया। आज हमारे महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हमारा विद्यालय निका सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल का मॉडल टाउन है। यहाँ पर समय समय पर हम इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहते हैं और आज मोदी जी की तरफ से ये जो स्वच्छता के प्रति कदम उठाया गया वह सराहनीय है। इसमें हमने सुबह बच्चों ने एक स्क्रिप्ट प्रस्तुत किया, कुछ भाषण प्रतियोगिताएँ हुई, रंगोली प्रतियोगिता कराई गई और एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। उस रैली में हमारे बच्चे कल्पना चावला पार्क मॉडल टाउन में गए और वहाँ पर उन्होंने सारी सफाई का कार्यक्रम भी किया और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और सभी स्टाफ मेंबर भी इसमें साथ थे। तो ये एक सराहनीय कदम है और भविष्य में भी मैं चाहूँगी कि इस तरह हम सब इस स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और हमारे समाज को स्वस्थ रहें। आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के अनेकों अनेक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम ये पूरे देश भर में हो रहे हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने भी आज अपना जो दिन है वो स्वच्छता श्रमदान से प्रारंभ किया। उन्होंने गुड़गांव जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सुबह स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को, प्रदेशवासियों को ये संकल्प दिलाया, ये संदेश देने का काम किया कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसी के तहत आज संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, पेंटिंग हुई, स्लोगन और ये सब कार्यक्रम हुए। तो उसी के तहत आज बच्चों का एक यहाँ उद्बोधन का कार्यक्रम भी रहा जिसमें आज इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने बच्चों को एक यहाँ प्रेरणा दी, संदेश दिया कि जब तक आप स्वच्छता अभियान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक बदलाव आने वाला नहीं है। आज बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम स्वच्छता अभियान को अपने जीवन से जोड़ेंगे और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी आह्वान किया है कि इस बार हम पूरे इंडिया को पॉलीथीन फ्री करेंगे। तो आज बच्चों ने ये पूरा आश्वासन दिया, निर्मल धाम के बच्चों ने, संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, कि हम अब पॉलीथीन का प्रयोग बंद करेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे और जल बचाने का भी आज हमने बच्चों को एक संकल्प दिलाया है वो जल की बर्बादी ना करें और जल बचाने का काम करें। इसके लिए हमने विद्यालय के प्रधानाचार्या और विद्यालय के प्रबंधक उनसे अनुरोध किया कि आप बच्चों की एक स्वच्छता कमेटी अपने स्कूल की बनाएं और क्लास की भी बनाएं ताकि बच्चे समय समय पर स्वच्छता का ध्यान रखते रहें।